और आज देखिए कुछ पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को हमारा न्यू ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं काफ़ी बेहतर होंगे, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड हो रहा है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं वीडियो पे, तो रेगुलर वीडियो आ रहा है और हम सोचे नहीं थे कि इतना दिन तक रेगुलर वीडियो हम दे पाएंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी अलग तरीका से स्टार्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं चेयर पे बैठे हुए हैं। और आज देखिए कुछ पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है। तो यार अचानक से वीडियो को अभी स्किप कर दिए थे, चूंकि देख सकते हैं खिड़की के बगल में बैठे हुए हैं और इधर से गली है, तो लड़का लोग आते जाते रहते हैं, तो हमको लग रहा था कि कोई यहाँ पे रुक के और सुन रहा होगा। तो ऐसा बात कुछ नहीं है। तो आज का इस ब्लॉग काफ़ी कमाल का होने वाला है और आज कहीं जाने वाले नहीं है, सारा वीडियो आप लोग को रूम में ही मिलेगा। और क्या है इस वीडियो में, तो वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि रूम में है। और इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि एक ब्लॉग बनाने में क्या क्या लगता है, कितना पैसा खर्चा आप लोग को होता है अगर बाहर घूमने जाते हैं तो, और अगर रूम में ही अगर बनाते हो तो कोई पैसा आपको खर्चा नहीं होगा, सिर्फ आपको कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। तो आप कैसे कंटेंट ढूंढिएगा वो आपको पर निर्भर है। तो हम मेरा कैसे क्या होता है, अगर गाड़ी लेके जाते हैं तो कितना पैसा खर्चा होता है, और इधर हम ब्लॉग बनाते हैं तो कैसे कैसे क्या करना पड़ता है, तो सारा इस वीडियो में आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी मेरा काम अभी चल रहा है, कुछ असाइनमेंट बनाना है कॉलेज का, सेमेस्टर 3 का, तो अभी वही काम कर रहे हैं। तो ये सब कंप्लीट करके उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू चालू करते हैं। ब्लॉग आज तो यहीं पे बैठे बैठे ही बन जाएगा, हमको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ये ब्लॉग मुफ्त में बन जाएगा, मतलब कि पैसा खर्चा नहीं होगा इसमें। तो कैसे क्या होता है सारा अपडेट इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू चालू करते हैं। तो दोस्तों अभी वीडियो बनाने के लिए पीछे पर्दा वर्दा सारा कुछ सेट कर लिए थे और इधर लाइट उट पूरा जला लिए थे, लेकिन एक पोपट हो चुका है। जैसे कैमरा अभी हम पीछे कर रहे हैं तो देख सकते हैं वाइड एंगल के वजह से पूरा रूम का कैप्चर कर रहा है, तो पर्दा लग रहा है थोड़ा ख़राब देखने में। तो गोप्रो से कैंसिल हो गया अभी वीडियो बनाना, तो मोबाइल से ही वीडियो भी शूट कर लेंगे। तो देख रहे हैं बैकग्राउंड काफ़ी ख़राब लग रहा है देखने में, मोबाइल से ज़्यादा वाइड एंगल कैप्चर नहीं करता है, तो उसी से भी शूट कर लेंगे और इससे वीडियो निकाल कर। तो पीछे का बैकग्राउंड अभी ठीक लग रहा हो देखने में, क्योंकि अभी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और गोप्रो हटा दिए हैं। तो आप लोग को पहले ही बताया था कि आज का ब्लॉग पूरा रूम में ही बनेगा, और टॉपिक था कि ब्लॉग बनाने में कितना पैसा आपको खर्चा होता है और हमको कितना होता है, और आप लोग अगर बनाते होंगे तो आप लोग को कितना खर्चा होता होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सर चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पास बाइक है या तो कोई भी गाड़ी है, तो पहला बात उसमें पेट्रोल डाल के आपको अभी चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इनकम आप लोग को हो नहीं रहा होगा। जैसे कि मेरा मेरा अभी थोड़ा सा भी इनकम नहीं हो रहा है, जैसा कि आप लोग चैनल चेक कर सकते हैं कि व्यू वैसा भी नहीं जा रहा है, चैनल भी मोनिटाइज अभी नहीं हुआ है। तो उसके अनुसार से अभी कोई वैसा इनकम नहीं हो रहा है और पैसा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि मेरा पास गाड़ी है, KTM Duke 200 है, इसका पहले RC था लेकिन ड्यूक अभी है, तो उसका माइलेज अभी 25 से 30 दे रहा है, और जब भी गाड़ी निकालते हैं तो 200, 300, 250 का तेल उसमें डालना ही पड़ता है। वीडियो बनाने के लिए सिर्फ, ऐसे तो घूमने के लिए निकलते नहीं हैं क्योंकि रूम में ही रहते हैं। और अगर आप लोग सिर्फ घर का ब्लॉग या तो इधर उधर जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ का अगर ब्लॉग आप लोग बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होता, जो खाने पीने का होता है। और बात ये भी है कि अगर हम गाड़ी लेके घूमने जा रहे हैं तो भले वहाँ खाना खाना का रहता है या नहीं रहता, लेकिन ब्लॉग में ऐड करने के लिए वहाँ खाना खाना पड़ेगा। आप लोग को अगर कुछ वहाँ खाने का मन भी नहीं हो लेकिन आपको खाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, तभी ब्लॉग आपका बनेगा और लंबा ब्लॉग बनेगा। जैसे कि सारा ब्लॉग 2, 10 मिनट, 12 मिनट उतना तो मिनिमम बन ही जाता है, तो ब्लॉग को लंबा करने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। अगर आप लोग वीडियो बनाते होंगे तो आप लोग को पता होगा। और जैसा कि अभी मेरा चैनल में अधिकांश मूवी वाला आ रहा है, तो भले मूवी देखने का मन करे या ना करे लेकिन हमको सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए मूवी देखना पड़ता है। तो करीबन एक वीडियो बनाने के लिए अगर बैग निकाले हैं अपना, तो
200 से 300 रुपये खर्चा तो हो ही जाता है, उतना मिनिमम हो ही जाता है। कभी कभी ज़्यादा भी चल जाता है, कभी कभी कम भी होता है। तो आप लोग का कितना खर्चा होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर जब से इनकम होना स्टार्ट हो गया, ये आज न तो कल हो ही जाएगा। अगर आप लोग का प्यार रहा तो काफ़ी पहले हो जाएगा। वीडियो बनाने के लिए देखिए पंखा भी ऑफ कर दिए तो काफ़ी गर्मी लग रहा है, इसीलिए पसीना बार बार चू रहा है। तो इसके लिए दिक्कत लेने का कोई बात नहीं। तो जिस मुद्दा पे बात कर रहे थे उस मुद्दा पे यही है कि सिर्फ टॉपिक यही था कि अभी जैसे कि हम अभी रूम का असाइनमेंट बना रहे थे कॉलेज का, तो सोचेगा आज तो कहीं जा नहीं पाएंगे, तो अचानक से कंटेंट आ गया कि चलिए ये सब के बारे में वीडियो बनाते हैं। चूंकि वैसा भी हम चैनल पे वीडियो देखे नहीं है कि एक ब्लॉग बनाने में कितना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितना ज़्यादा होता है। और एक छोटा सा कंटेंट के लिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहे हैं चूंकि छोटा सा है। और अगर आप लोग को जितना खर्चा होता होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरा कितना खर्चा हो रहा है हम आप लोग को बता दिए सीधा सीधी। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कितना पैसा खर्चा होता है। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, फैन ऑन करते हैं, चूँकि फैन अभी ऑफ इसलिए किए हैं क्योंकि उसका भी आवाज़ इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए अभी फैन ऑफ कर दिए हैं। पर्दा पीछे लगाए थे, काफ़ी अच्छा वीडियो बन गया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इसका आगे फिर आप लोग को बाइक से वीडियो मिलेगा तो सबर कीजिएगा, और हीरो होंडा से नहीं केटीएम से। तो बने रहिएगा चैनल में लास्ट तक, और वीडियो रेगुलर आ ही रहा है।